न योगी न मोदी इस काले बंदर की वजह से बन रहा है अयोध्या में भगवान राम का मंदिर। नहीं होता ये बंदर तो आज भी अदालत में सिर्फ केस ही चल रहा होता, न मंदिर बनता, न राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होती। हर हिंदू परेशान था, किसी की बात नहीं सुन रहा था जज। फिर इस बंदर ने किया ऐसा चमत्कार कि देखती रह गई दुनिया। जज ने इस बंदर के आगे झुकाया सर और सुना दिया फैसला, फिर बनने लगा राम मंदिर। दुनिया जानती है कि अयोध्या में बन रहा भगवान राम का मंदिर सिर्फ योगी मोदी की देन है। अगर ये नहीं होते तो शायद मंदिर नहीं बन पाता, लेकिन ये सिर्फ आधा अधूरा सच है। राम मंदिर बनने की वजह सिर्फ योगी मोदी नहीं बल्कि कोई और भी है, जिसकी कहानी शायद हर किसी को नहीं पता। दरअसल मंदिर बनवाने का सबसे पहला श्रेय एक बंदर को जाता है, एक ऐसा बंदर जिसके चमत्कार के आगे जज ने भी घुटने टेक दिए थी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे अपने प्रभु श्री राम को बचाने के लिए खुद हनुमान जी आ गए हों। कहानी सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। 22 जनवरी को राम भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इसी दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने की कहानी काफी उलझी रही। जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला बना रहा। तब जाकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। लेकिन विवादित ढांचा मतलब बाबरी मस्जिद से लेकर भव्य राम मंदिर बनने तक के सफर में एक काले बंदर की कहानी सबको हैरान करती है, क्योंकि इस बंदर को देखकर जज ने भी अपने हाथ जोड़ लिए थे। कहानी शुरू होती है 1 फरवरी 1986 से। उस दिन न केवल अयोध्या वासी बल्कि पूरी दुनिया की नजर फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी थी। सुबह से ही लोग अदालत पहुंचने लगे थे और फैसला सुनने के लिए बेताब थे। पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों की मौजूदगी से अदालत में पैर रखने की जगह नहीं थी। खचाखच भरी भीड़ में अदालत में मौजूद लोगों की नजर बस एक काले बंदर पर टिकी थी, जो फैसले के वक्त वहां मौजूद था। दावा किया जाता है कि वह बंदर अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज KM पांडे यानी कृष्ण मोहन पांडे के घर जाने तक हर जगह देखा गया था। और 1 फरवरी 1986 की शाम को ही 4:40 पर उस वक्त जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित मस्जिद का ताला तोड़ने का आदेश भी दे दिया। जब जज साहब फैसला सुना रहे थे तब वह काला बंदर चुपचाप बैठा था। फैसले के बाद ही उस काले बंदर को वहां से जाते देखा गया। और ये कहानी खुद उस समय जिला जज रहे KM पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा बॉयस ऑफ कॉन्साइंस में लिखी। उन्होंने लिखा, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश दे रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट पर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनाने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर उसने न किसी को छुआ न कुछ खाया, वो चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वह वहां से गया। फैसले के बाद जब DM और SP मुझे छोड़ने मेरे घर पहुंचे तो मैंने देखा उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया, वह कोई दैवीय ताकत थी। इतना ही नहीं, फैसले वाले दिन जिला जज KM पांडे के साथ करीब करीब पूरा दिन बिताने वाले फैजाबाद के तत्कालीन CGM CD राय ने भी इस बात की पुष्टि की है। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि फैसला सुनने और ताला खुलने के बाद उस काले बंदर को किसी ने नहीं देखा, पर उस बंदर की ये कहानी आज भी लोगों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट।